Hello everyone, welcome to CBSE classes. In the series of important questions of quadratic geometry, exercise 7.1, question number 3, dekhte hain. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 11 are collinear. Collinear means what? एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट होना चाहिए. कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, तीन पॉइंट्स इसी पर आने चाहिए, तब ये हो गए कोलिनियर. तीन या उससे अधिक पॉइंट अगर एक लाइन पर हो तब उसको कोलिनियर कहेंगे. आप कहोगे क्या दो पॉइंट को कोलिनियर नहीं कह सकते? दो पॉइंट हमेशा ही एक ही लाइन में होते हैं. कोई भी दो पॉइंट रख लो, दो पॉइंट यहां रखा या यहां रखा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन नहीं, क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें एटलीस्ट दो पॉइंट चाहिए ही चाहिए. तो ये दो पॉइंट मिल गए. अब हमारे पास अभी है कि तीन पॉइंट दिया हुआ है, हमें कह रहा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, इसको हमें बताना है. तो कोलिनियर के लिए अभी हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं, अभी हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है. डिस्टेंस फॉर्मूला को हमें यूज करना है यहाँ पर. डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके बताना है ये कोलिनियर, ठीक है. इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमने कह दिया तीन पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1, 5, बी इज 2, 3 और सी इज -2, -11. तो अब आप बताइए कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ये. इसको कोलिनियर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा. ए बी फाइंड कर लेंगे हम, बी सी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और ए सी फाइंड कर लेंगे, ठीक. अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी मिल जाता है तो यह कोलिनियर. अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं है तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है. तो हम ये फाइंड करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं, बी सी फाइंड करते हैं, ए सी फाइंड करते हैं, ओके. ए बी इक्वल टू वॉट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, ओके, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. हियर एक्स टू इज वॉट, एक्स वन इज वॉट, एक्स टू इज वॉट टू, एक्स वन इज वॉट वन. नाउ टू माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू इज वॉट थ्री, वाई वन इज वॉट फाइव, 3 minus 5 whole square. Now 2 minus 1 is what? 1 square plus 3 minus 5 is what? Minus 2 square. That is equal to 1 square 1 plus minus 2 square 4. That is equal to root 5 units. Clear? Now we find karte hain BC. BC equal to अगेन सेम फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. नाउ व्हाट इज एक्स टू, व्हाट इज एक्स वन, व्हाट इज वाई टू एंड व्हाट इज वाई वन. फॉर बी सी एक्स टू इज माइनस टू, एक्स वन इज टू, माइनस टू टू, माइनस टू माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y2 is minus 11 and y1 is what? Minus 3. 3 is y1 and since we have to put a minus, so it is minus 3 whole square. That is equal to what? Minus 2 minus 2 kitna? Minus 4. Exactly. Minus 4 square plus minus 11 minus 3 what? Minus 14 whole square. That is equal to minus 4 square kya? 16 or minus 16. Minus 4 square 16 or minus 16 kya hoga? 16. Very good. Minus 16 nahi hoga. Minus ka square plus hota hai. Minus 14 square is what? 1. 96. अब इसको ऐड कर
क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना 6 root 16 plus 196 what 212 this units ठीक है नहीं तो हमारे पास ए बी मिला रूट 5 बी सी मिला रूट 212 अब हम फाइंड करेंगे ए सी अगर ए सी इन दोनों के सम के बराबर हो गया ठीक है तो इसको आप चेक कर लीजिए क्या 212 क्या होगा 212 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ठीक है ये 2 से डिवाइड होगा 2 2 1 2 2 6 फिर 2 5 3 ओके 2 रूट 53 हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू यू विल राइट हियर व्हाट 2 रूट 53 यूनिट्स ठीक है अब हम एसी फाइंड करते हैं एबी इक्वल टू कितना मिला हमें रूट 5 मिला है इसको हम यहां रखते हैं इसकी जरूरत पड़ी है अब एसी फाइंड करते हैं एसी क्या हुआ हमारा तो एसी अगेन सेम फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर एंड फॉर एसी एक्स टू इज व्हाट माइनस टू माइनस टू माइनस एक्स वन इज व्हाट वन वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू इज व्हाट माइनस इलेवन वाई वन इज व्हाट 5 whole square that is equal to minus 3 square plus minus 16 square that is equal to what minus 3 square kya 9 and minus 16 square kya 256 kya ho gaya 9 plus 256 what 265 this unit ठीक है अब देखिए क्या इसको हम यहां पर कुछ कर सकते 265 को आप प्राइम फैक्टराइज करके इसके स्क्वायर में देखते हैं क्या आता है कुछ आया तो ठीक है नहीं आया तो और भैया 265 मारा 5 से डिवाइड कर लीजिए तो 5 5 का 25 5 3 का 50 तो सर 15 कुछ नहीं मिला यही रहेगा ठीक है तो स्क्वायर रूट ऑफ 265 अब देखिए 2 रूट 5 का मारा रूट 212 का और यहाँ रूट 265 मिला क्या ऐड करके कुछ मिलेगा अब ए बी और ए सी को ऐड कर देते हैं नाउ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू व्हाट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू व्हाट टू ए बी इज रूट 5 प्लस बी सी इज व्हाट 2 रूट 53 क्या ये ऐड होगा नहीं होगा ये दोनों ऐड नहीं होगा ये ऐसा ही रह जाएगा But AC is what? Square root of 212. So AC is what? 200 root 265. 212 is what? BC. And root 265 is AC. So it is not equal to, this one is not equal to square root of 265. Okay? That is equal to AC. Right? Means what? Hence, AB plus BC is not equal to AC. That is, what are the 3 points? 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 11 are not coming. करना था या मुझे डिटरमिन करना था वेदर इट इज कोलिनियर और नॉट
determine if the points 1, 5, 2, 3 or minus and minus 2, minus 11 are collinear. क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं? या हमें पता करना था, हमने पता कर लिया कि ये कोलिनियर नहीं है. इसी टाइप का क्वेश्चन जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेंगे तो सेम टाइप के क्वेश्चंस को हम और इजीली फाइंड कर सकते हैं, आसानी से हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके ये फाइंड करना था, इसीलिए हमें इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ा. ठीक है, और भी क्वेश्चंस को आप करते जाइए. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपके लिए छोड़ा, 1 2 आप करेंगे. ठीक है, आपसे सॉल्व हुआ तो अति उत्तम, नहीं हुआ तो सर्वोत्तम, फिर मैं हूं. ठीक है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारी प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा. राइट.